आज हम पीएससी और व्यापम से क्वेश्चन देखेंगे जो अक्सर पूछे जाते हैं। क्या से? छत्तीसगढ़ी व्याकरण। ठीक है, अगर जो लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाइएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपके पीएससी और व्यापम में पूछे जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं व्याकरण से। ठीक है, जो आपके छत्तीसगढ़ी व्याकरण से पूछे जाएंगे, है ना, ये आपके पीएससी प्री एग्जाम और व्यापम के लिए। देखिए, जो पीएससी प्री एग्जाम है आपका 12 फरवरी को होने वाला है, तो आप लास्ट तक जरूर बनिएगा। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। वह पुत्र जो कोख से अंतिम बार पैदा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? वह पुत्र जो कोख से अंतिम बार पैदा हुआ हो उसे हम कोख पोछना कहते हैं। आंसर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका दांत दिखाने वाले के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द होता है दांत निपोर। ठीक है, दांत दिखाने वाले के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द होता है दांत निपोर। अब देखिए, छत्तीसगढ़ी भाषा में आपको व्याकरण से और मुहावरों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, पर्यायवाची शब्द मुहावरा, ये जो टॉपिक है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए, ऊब जाना के लिए छत्तीसगढ़ी पर्यायवाची शब्द है आपका अस्कट। ऊब जाना, है ना, इसके लिए छत्तीसगढ़ी व्याकरण हो जाएगा आपका अस्कट। ठीक है, चलिए मैं डायरेक्ट आंसर करा रहा हूँ। ठीक है, देखिए बहुत सारे लोगों को कहना है कि यहाँ पर सर डेली क्लास कराएं बोल रहे हैं, तो डेली क्लास कराया जा रहा है। ठीक है, टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ 7:30 बजे, ठीक है, और एक है 8:30 बजे, तो दोनों में से कोई भी एक समय आप आ जाइएगा। ठीक है, 7:30 या फिर 8:30, कोई भी एक बैच ज्वाइन कर लीजिएगा डेली यहाँ पर, या फिर वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना, फिर आपको डेली नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, ऑल पर सेट कर लीजिएगा। ठीक है रमेश, ओके। और किरण का कहना है कि सर एमसीक्यू कराते जाइए टेस्ट। ठीक है ना, बिल्कुल कराएंगे, आज से बने रहिएगा, वीडियो पर लास्ट तक जरूर देखना, है ना। ये ऐसे एग्जाम में पीएससी में पूछा जाए, सीजीपीएससी जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ी शब्द में झुलफुलहा का अर्थ क्या होता है? झुलफुलहा, ये आपके पीएससी में है, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये आपके पीएससी और व्यापम का क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आप समझ जाएंगे कि ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, हाँ, वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। चलिए, झुलफुलहा का अर्थ होता है सूर्यास्त का समय। क्या होगा? सूर्यास्त का समय, डायरेक्ट आपको आंसर करा रहा हूँ। ठीक है, ये आपको देखिए, अगर मैं ऑब्जेक्टिव अगर पढ़ते जाऊँगा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, चलिए, कपिला शब्द का अर्थ होता है, जो कपिला होता है आपका सफ़ेद रंग की जो गाय होती है या फिर भूरे रंग की, उसी को कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर सी होगा, भूरे या सफ़ेद रंग की जो गाय, वो उसको कपिला कहते हैं। ठीक है, घोघिया पठारी किससे कहते हैं? जो घोघिया पठारी होता है आपका श्राद्ध कर्म संपन्न कराने वाला ब्राह्मण होता है, इसका आंसर डी होगा। एक बार देख लीजिएगा, घोघिया पठारी, ये आपके पीएससी व्यापम में पूछा है, कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, घोघिया पठारी है जो श्राद्ध कर्मों को संपन्न कराने वाला ब्राह्मण होता है। ठीक है, देखिए अब इसके बाद है बड़हर का अर्थ क्या होता है? जो बड़हर होता है आपका बड़ोड़ा, हवा गरेर में जैसे तूफान वगैरह आता है ना, उसी को हम बड़ोड़ा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बड़ोड़ा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, छत्तीसगढ़ी भाषा में भंदई किसे कहते हैं? जो भंदई होता है आपके चप्पल को कहा जाता है। ठीक है, चप्पल को कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा, छत्तीसगढ़ी भाषा में भंदई चप्पल को कहा जाता है। देखिए, ये भी एग्जाम में कई बार पूछता है कि जानवरों को बांधने की जो रस्सी होता है उसको गिरमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गिरमा, नोट कर लीजिएगा ना, गिरमा, है ना। एक बार टेस्ट के रूप में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, है ना। सदरी बोली किस जिले में बोली जाती है? जो सदरी बोली होता है आपका जसपुर में। ठीक है, कहाँ? जसपुर। अब लरिया बोली किस जिले में बोली जाती है? जो लरिया है आपका हमारे महासमुंद जिला में। ठीक है, देखिए जिला होता है महासमुंद, ये आपका महासमुंद जिले में बोली जाती है लरिया भाषा। ये कौन सा? लरिया। ये जो लरिया बोली है हमारे जिले में बोली जाती है। मैं महासमुंद का रहने वाला हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, महासमुंद का रहने वाला हूँ और महासमुंद में लरिया बोली बोली जाती है। पति द्वारा त्यागी गई नारी को क्या कहते हैं? जो पति द्वारा त्याग दी जाती है उस नारी को हम छंडवे कहते हैं। क्या कहते हैं? छंडवे। ठीक है, अब ये बताइएगा, प्रतीका किसे कहते हैं? परितिका किसे कहते हैं? आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आप सभी के लिए क्वेश्चन है, परितिका किसे कहते हैं? ठीक है, पति द्वारा देखिए पति द्वारा त्यागी गई नारी को हम छंडवे कहते हैं, जबकि परितिका किसे कहते हैं? आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए। हल का छत्तीसगढ़ी पर्यायवाची है। हल का मतलब आप समझते हो ना, जो हल है खेत में जब नांगर लेके चलते हैं किसान लोग, उसी को हम हल कहते हैं। हल का मतलब नांगर। ठीक है,
नांगर जैसे बैल को फांद के मतलब जोताई करते हैं ना खेत का, वही है हल। रंधनी खोली किससे कहते हैं? रंधनी का मतलब आप समझ जाएंगे कि किचन को इंग्लिश में कहते हैं किचन, और हम इसको रसोई कहते हैं, ठीक है रसोई। ये आपका रंधनी खोली हो गया, ठीक है छत्तीसगढ़ी भाषा में। देखिए एकदम मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में। अरकट्टा का अर्थ क्या होता है? अरकट्टा का मतलब होता है एक छोटा सा पतला रास्ता, पतला रास्ता या फिर सड़क, पतला सड़क, ठीक है। जैसे एकदम पतला सकरी टाइप का नहीं रहता, ऐसा टाइप का गली गली, इसको अरकट्टा कहते हैं छत्तीसगढ़ी में। तो छोटा रास्ता ऐसे कुछ गली गली, जैसे एक बड़ा बड़ा घर रहता है ना, और एक किनारे में एकदम पतला पतला छोटा छोटा रास्ता निकला रहता है, उसी को हम अरकट्टा कहते हैं। सरकट्टा, अरकट्टा, मरकट्टा है ना, ये तीनों ही उसका पर्यायवाची है। लमचोची किसे कहते हैं? देखिए लमचोची का मतलब होता है जो लंबी चोंच वाली होती है ना चिड़िया, उसको लमचोची कहते हैं। आपने कहीं भी जंगल में देखा होगा या पहाड़ी इलाकों में, तो वहाँ पर जो लंबी चोंच वाली चिड़िया होती है, ठीक है, लंबी चोंच वाली एक चिड़िया होती है, उसको हम लमचोची चिड़िया कहते हैं, ठीक है। और लुरकी किसे कहते हैं? तो आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ी में लुरकी का मतलब होता है आभूषण। और देखिए यहाँ पर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, देखिए एक और बता देता हूँ टॉपिक है आपका छत्तीसगढ़ी भाषा में, है ना। व्याकरण तो आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपको आभूषण से संबंधित प्रश्न पढ़ना पड़ेगा। आभूषण और व्यंजन, ये दो टॉपिक है जो उसमें यूपीएससी एग्जाम में 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए अगर आप लोगों ने आभूषण व्यंजन से क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं, तो मैं आप सभी को कल करा दूंगा आभूषण और व्यंजन से, ठीक है। ये जो टॉपिक है आपके पीएससी में अक्सर एग्जाम में पूछता ही पूछता है, ठीक है। व्यंजन यानी कि खाने पीने की चीज़ें, यानी कि किससे क्या बना है ना, ये सब, जैसे गेहूं का आटा से क्या बनता है, गुलगुला भजिया बनता है, बहुत सारी रोटियाँ वगैरह बनती है, वैसे वाला व्यंजन है ना, वहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। और आभूषण में बहुत सारे, जैसे करधन हो गया, नथली हो गया, नाक में जो पहनते उसको क्या कहते हैं, ऐसे टाइप का पूछा जाता है। जैसे अब कान में पहनते उसको क्या बोला जाता है, या मांग में पहने उसको क्या बोला जाता है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आप व्यंजन में, आभूषण में और व्यंजन में, ठीक है। व्यंजन में खाने पीने की चीज़, और आभूषण में पहनने का चीज़, ठीक है, महिलाओं के लिए ये एग्जाम में पूछता है। तो चलिए अब इनमें से कौन सा है जो भिन्न है? तो इसमें जो छेरी है भिन्न है, क्योंकि देखिए जोंक, बिच्छी और घोंगी क्या है, ये तीनों पानी में रहता है, लेकिन छेरी कहाँ रहता है? जमीन में रहता है, ठीक है, जमीन में, ठीक है। ये बार बार एग्जाम में डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? मैसेज नहीं करना है, यहाँ पर बोला गया था, फिर भी आपको मैं ब्लॉक कर रहा हूँ। ब्लॉकेज डिस नॉट कॉन्टैक्ट, ठीक। ये बंदा जो है बार बार मैसेज करते रहता है, पढ़ाई में ध्यान तो रहता नहीं है। हम लिख रहे थे उसको छत्तीसगढ़ी वाक्य हम क्या कहते हैं? जो हम लिख रहे थे उसको हम लिखत रहन बोलते हैं। क्या लिखते हैं? हम लिखत रहन, लिखत रहन, तो आपके ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, लिखत रहन। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो कूड़ा ससुर का अर्थ क्या होता है? कूड़ा ससुर आप सभी को पता है ना, कूड़ा ससुर मतलब जेड बोलते हैं, जेड मतलब जैसे कि आपका पति, पति का बड़ा भाई, बड़े भाई को क्या बोलते हैं? जेड बोलेंगे ना, पति के बड़े भाई को आप जेड बोलोगे, उसी को हम कूड़ा ससुर कहते हैं छत्तीसगढ़ी में। क्या कहते हैं? कूड़ा ससुर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? सो अब यहाँ पर बात करते हैं फ्रेंड्स, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी जाइएगा वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ठीक है, डेली क्लास करने के लिए। साथ ही आप देखेंगे यहाँ पर जो बोल रहे थे ना, तो टाइम बचा हुआ है, तो आज हम आभूषण से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। आभूषण से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके CGPSC और एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए कल जो टॉपिक करने वाले थे उसी को आज हम इसी वीडियो में कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। आभूषण से क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर और टाइम मिले तो हम व्यंजन से भी क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहेगा, है ना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्या बोला था मैं आपको? सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए जो लोग सब्सक्राइब किए हैं ना किए, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आप नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट नहीं करोगे ना, तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलने वाला, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियो को ऑल पर सेट करना कभी भी, ठीक है, तो आपको नोटिफिकेशन फटाक से मिल जाएगा जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँगा तो, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू। जो लोग वीडियो को लाइक कर दिए हैं उनको वेरी गुड, और बिल्कुल थैंक यू, है ना। चलिए व्यंजन से क्वेश्चन देख लीजिए, आभूषण और व्यंजन से अभी टाइम है हम आप लोग के पास, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। जो लोग पढ़ चुके हैं तो रिवाइज कर लीजिएगा, और जो नए हैं वो एक बार वीडियो को देखते रहिएगा, ठीक है। टेस्ट के रूप में आपका, क्या पता कि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल, क्लास ज्वाइन कर लिए क्या? टाइमिंग है अभी आप लोगों के पास 10 मिनट समय है, ठीक है, 10 मिनट समय है,
तो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए अब ये आपके आभूषण से क्वेश्चन है, आभूषण से पूछे जाते हैं, ठीक है। आभूषण से क्वेश्चन देख लेते हैं, 10 मिनट आप सभी के लिए है ना। चलिए, खिनवा शरीर के किस अंग का आभूषण है? जो खिनवा होता है आप सभी को पहले बताया था ना, कान का पहनने का ये सब चीज़ है, ये सब सूता को शरीर के किस अंग में आभूषण है? ये देखिए, सूता शरीर के किस अंग का आभूषण है? सूता को क्या कहते हैं? जो सूता है आपका, देखिए जो सूता है आपका गला में पहना जाता है, ठीक है, गला में पहना जाता है। आप देख लीजिएगा, मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ, ठीक है, इमेज के तौर पर आपको दिखा रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। चलिए देखिएगा, मैं जूम कर रहा हूँ है ना, देखिए यहाँ पर जूम कर देता हूँ, ये थोड़ा बनाया हुआ है इसीलिए आपको थोड़ा समझ नहीं पा रहा होगा, लेकिन मैं आपको जूम करके ही दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये जो सूता है यहाँ पर गला में पहना जाता है, ठीक है, इसको गले में पहना जाता है, देख लिए क्या हो गया था आपका, ठीक है। ये सभी स्टूडेंट लोग को कॉल आ गया था, इसके लिए सॉरी, ओके। देखिए ये आपका पूरा है, ये सब आभूषण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नांगमरी होता है आपका भुजा, ठीक है, नांगमरी जो बाहों में पहनते हैं ना, भुजा में, उसी को कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर निम्न में कौन सा आभूषण गला में पहनते हैं, तो आप सभी को बताया ना कौन सा गला में पहनते हैं, सूता, ठीक है, सूता, सूता को गला में पहनते हैं, उसको सूतिया कहा जाता है, ठीक है। बनवरिया कहाँ पहनना है? बनवरिया आप कलाई में पहनना है। छत्तीसगढ़ में आभूषण पहुँची शरीर के किस अंग में पहनते हैं? तो ये हाथ में पहनते हैं, ठीक है, पहुँची। देखिए मज़ा आ रहा है ना आपको, आभूषण से अच्छी अच्छी क्वेश्चन पूछते हैं आभूषण से। हाँ देखिए, राज्य की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला आभूषण खिनवा कहाँ पहनता है? देखिए कान में, देखिए बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पर। छत्तीसगढ़ में खिनवा, ये कान, नागमोरी है ना। चलिए, छत्तीसगढ़ का एक आभूषण पुतरी, देखिए पुतरी शरीर के किस निम्न हिस्सा में भाग में पहना जाता है? पुतरी ये खेलने वाला पुतरी नहीं है ना, पहनने वाला है, जो यहाँ पर देखिए पुतरी है आपका गला में पहना जाता है ना। देख पढ़ने में मेरे को थोड़ा अटक जा रहा हूँ, छत्तीसगढ़ी में है ना। देखिए आभूषण नहीं है पूछा गया, तो साटी, बिछिया, नथनी या कैसकमा? तो देखिए जो सैकमा है आपका आभूषण नहीं है, जबकि बिछिया, साटी और नथनी एक आभूषण है। कौन सा आभूषण अन्य से भिन्न है? तो ये पहुँची है, देखिए जो अन्य से भिन्न, क्योंकि देखिए पुतरी, हंसली और सूता ये तीनों एक ही चीज़ है, एक ही पर्यायवाची है, उसको गला में पहना जाता है, ठीक है, गला में पहना जाता है, उसको क्या क्या कहा जाता है एक बार देख लीजिएगा। पुतरी, हंसली और सूता, इसको गला में पहना जाता है, ये तीनों एक ही चीज़ है, पर्यायवाची, ठीक है, पर्यायवाची है। अब देखिए यहाँ पर जो पहुँची है बिल्कुल अलग है, पहुँच चुकी है छत्तीसगढ़ी में उसको बोलते हैं बाजूबंद। किसको बोलते हैं सभी को पता है? बाजूबंद सब लेते हैं ना उसको, ये हाथ के भुजा में पहनते हैं, भुजा में, ठीक है, हाथ वाली जो भुजा रहती है उसमें पहनते हैं, उसको नांगमोरी कहा जाता है। देखिए बाजूबंद, नांगमोरी, ये सब पर्यायवाची शब्द है ना, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। बहुटा का मतलब होता है बाह में पहनने वाला, देखिए अब उसको नागमोरी, ठीक, बाजूबंद इसको नोट कर लीजिएगा, नागमोरी, बाजूबंद और बहुटा, ये तीनों ही बाह में पहने जाना आभूषण है, ठीक है। अब चलिए, गाय के गले में बांधी जाने रस्सी या फिर मोर पंख पलाश की माला पहनाती ना, उसको सुहई कहते हैं। देखिए दिवाली आती है ना, तो क्या बोलते हैं, गाय लोगों को माला पहनाई जाती है मोर पंख वाली, उसी को सुहई कहते हैं, सुहई, ठीक है, फटाका वटाका फोड़ते हैं ना बच्चे लोग। मुंदरी, ये देख मुंदरी का अलग अथ जी, ये अंगुली में पहना जाते हैं, अंगुली अंगूठा में, ठीक है, अंगुली अंगूठा जो कहीं भी पहन सकते हो ना। अब देखिए यहाँ पर हरैया शरीर के किस अंग में पहनते हैं? हरैया जो बाह में पहनते हैं, ये जो हरैया है बाह में पहना जाता है, ठीक है। और कमर में पहनने वाले आभूषण को क्या कहते हैं? करधन, करधन, बिल्कुल सही है, करधन आएगा है ना। अब बिछिया शरीर के किस अंग में पहना जाता है? अब देखिए बिछिया आप सभी को मालूम है ना, पैर के अंगुली में पहना जाता है, पैर के अंगुली में पहना जाता है, कई लोग बोल रहे हैं हाथ में पहना जाता है, बेवकूफ़ हो, यहाँ पर पैर में पहना जाता है बिछिया, हाथ में क्या पहना जाता है, अंगूठी को पहना जाता है, बेवकूफ लोग कई लोग कैसे कैसे आ जाते हैं। तोड़ा लच्छा पहना जाता है, देखिए लच्छा किस में पहनते हैं? पायल को बोलते हैं, पैर में, लच्छा हो गया, तोड़ा हो गया, पायल हो गया, ये सब क्या है, साटी है ना, ये सब पैर में पहनते हैं। अब देखिए हंसली, ढोंकली शरीर किस अंग में पहना जाता है? ये भी हंसली आप सभी को पता है ना, हंसली, सूतिया या सूता है ना, ये सब क्या पहना जाते हैं? गला में, ठीक है, गला में पहना जाता है। ये देखिए
गला में पहना जाता है, ऑप्शन बी होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा आभूषण है जो नाक में पहना जाता है। आप सभी को पता है नाक में नथली को पहना जाता है, ठीक है, नथली, ठीक है, नथली, ये सब नाक में पहना जाता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ये आभूषण से क्वेश्चन देखे थे और व्यंजन का क्वेश्चन नहीं देख पाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कल के वीडियो में देख लेंगे, इसको कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। कल के वीडियो में व्यंजन से संबंधित क्वेश्चन आपको करा दिया जाएगा, ठीक है। ऐसी डेली क्लास करने के लिए एक बार चैनल को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही आप कमेंट में बताइएगा कि किस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं। चाहे आप पीएससी की तैयारी करो तो पी लिख सकते हो, और व्यापम की तैयारी करना चाहते हो तो भी लिख सकते हो, ठीक है। कोई भी तैयारी करो, एक एग्ज़ाम की तैयारी करना है आपको, ठीक है। चाहे पीएससी करो चाहे व्यापम, अगर आप पीएससी की करते हो, एक मिनट ना, अगर आप पीएससी की करते हो तो पूरा तैयारी हो जाएगा व्यापम का, अगर सिर्फ अगर व्यापम की तैयारी करोगे तो आपका पीएससी तैयारी नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं आप सभी को कहता हूँ कि पीएससी की तैयारी करो, ठीक है। तो पीएससी की तैयारी करोगे तो इसका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका व्यापम भी उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग की इच्छा है ना, अगर आप पीएससी की तैयारी करना चाहते हो तो भी लिख सकते हो कमेंट में, और व्यापम की तैयारी करना चाहते हो तो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ओके। चलिए आज के लिए इतना ही, क्लास ख़त्म करते हैं, कल बने रहिएगा, है ना। पार्ट वन का ये आपका पार्ट वन है, पार्ट टू में आपका मिल जाएगा व्यंजन से, ओके। चलिए, नाइस टू मीट यू वास्ट टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ओके, ऑल ऑफ यू, थैंक यू।